रिवीजन क्लास कर रहे थे उससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई थी है ना, फिर आपके एग्जाम आ गए थे, तो हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा बच गया था। तो जो बचा हुआ हिस्सा है इस चैप्टर का वो पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो बचे हुए हिस्से में से ही एक क्या कह सकते हैं इसको टॉपिक है, जिसका नाम है एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, यस। और एक चीज और, सभी लोग प्लीज अपने कॉपी और पेन लेकर रेडी रहें। ठीक है, सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी रहें, क्योंकि क्यों रेडी रहें मैंने अभी अभी बताया था आपको कि आगे से जैसे मैं अभी तक पोल में ही जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनके नाम ऐसे ही ले लेता था, लेकिन अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। ठीक है, वो अभी मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। हमने संख्या रेखा पढ़ी है इससे पहले, तो संख्या रेखा पर हमने पूर्णांकों को पढ़ा था। तो कोई मुझे बताएगा कि संख्या रेखा पर जो पूर्णांक होते थे उसमें जो धनात्मक संख्याएं आती थी है ना, प्लस वाली संख्याएं किस तरफ आती थी, जीरो के दाईं ओर आती थी या बाईं ओर, मतलब राइट साइड में आती थी या लेफ्ट साइड में, बताओ चैट बॉक्स में बताओ। संख्या रेखा पर जो पॉजिटिव वाली संख्याएं हैं, जो धनात्मक संख्याएं हैं, वो जीरो के दाईं ओर आती है या बाईं ओर? यस, राइट साइड में, वेरी गुड। और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव वाली संख्याएं, वो किस तरफ आती हैं, जल्दी बताइए, लेफ्ट साइड में। ओके, यस। तो यही है, आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब हम पूर्णांक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हमारे पॉजिटिव वाली संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, वो किस तरफ आते हैं, जीरो के दाईं ओर। बीच में जीरो आ गया है ना, जीरो के दाईं ओर आते हैं पॉजिटिव वाले नंबर या धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के बाईं ओर क्या आते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर। वही चीज, सेम चीज फॉलो होगी किसमें, परिमेय संख्याओं में। तो जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं है ना, परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया था, सबसे पहली चीज परिमेय संख्याएं होती क्या है ये मैं एक बार आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सके, ठीक है, जहां पर p तथा q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं, p तथा q पूर्णांक हैं, और जो q है वो जीरो ना हो, यही तो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, जो इन तीनों चीजों को फॉलो करती है वो संख्याएं मेरी क्या होती है, परिमेय संख्या। जैसे 2/3, -4/5, -5/4, ये सब क्या है, मेरी परिमेय संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं को मुझे किस पर दर्शाना सीखना है, संख्या रेखा पर। ठीक है, इन्हीं संख्याओं को 2/3 को, -4/5 को, -5/4 को, इस तरीके की संख्याओं को मुझे कहां दर्शाना है, संख्या रेखा पर। तो कैसे दर्शाते हैं वो आज हमें सीखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। ये समझ में आया आज हम पढ़ने के वाले हैं? पहले ये बताइए, सभी को ये क्लियर हुआ कि हम पढ़ने के वाले हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना? ठीक है, यानी इस तरीके की संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं जैसे 1/5, वो किस तरफ आएगी, जीरो के दाईं ओर आएगी। ठीक है, जो धनात्मक संख्याएं जैसे 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, 4/7 हो गया या 7/4 हो गया, ये सब क्या धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये किस तरफ आएंगी, जीरो के दाईं ओर आएंगी। और जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं जैसे -4/5 हो गया या -5/4 हो गया या -1/2 हो गया, ये किस तरफ आएंगी, जीरो के बाईं ओर आएंगी। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है कि सारी जो धनात्मक संख्याएं हैं वो जीरो के दाईं ओर आती है और सारी ऋणात्मक संख्याएं जीरो के बाईं ओर आती है, क्योंकि पोल में ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि सारी जो धनात्मक संख्याएं हैं है ना, सारी धनात्मक संख्याएं जीरो के किस तरफ आती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या किस तरफ आती है, दाईं ओर। ठीक है, और सारी ऋणात्मक संख्या, ठीक है, यानी नेगेटिव वाली संख्या किस तरफ आती है, बाईं ओर आती है, किसके, जीरो के।
ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर इतना तो हमें पता चल गया कि अगर आप हमसे कोई संख्या संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहा जाए तो अगर वो प्लस की है यानी धनात्मक है तो हम उसके जीरो के दाईं ओर दर्शाएंगे, अगर वो ऋणात्मक है तो हम इसको जीरो के बाईं ओर दर्शाएंगे। यहां तक सबको क्लियर? अगर यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। फिर हम आगे चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सवाल है, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। चलो तो देखो, अब परिमेय संख्याओं को दर्शाना है, ठीक है। यहां से आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी सारी बातें, ठीक है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। अब ये मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, बात किसकी हो रही है? परिमेय संख्याओं की। किसकी बात हो रही है? परिमेय संख्याओं की, यानी ऐसी संख्या जिसको मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकूं, ठीक है। अब मैं अगर किसी संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख रहा हूं तो उसमें एक अंश होगा, अंश होगा या नहीं होगा, और उसमें एक हर होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर मैं किसी संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख रहा हूं तो उसमें एक अंश होगा और एक हर होगा, यानी परिमेय संख्याओं में एक तो अंश होगा और एक हर होगा। यहां तक सबको क्लियर है? अब बात आती है कि अगर अंश हर से छोटा है तो क्या होगा, और अगर अंश हर से बड़ा है तो क्या होगा, कैसे हम दर्शाएंगे संख्या रेखा पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, अगर अंश हर से छोटा है तो, अगर अंश हर से छोटा है, ठीक है। उदाहरण उदाहरण के लिए मैं कहूं, जैसे 4/5, 4/5 में 4 क्या है? अंश है, 5 क्या है? हर है। और मैं कहूं कि इसको संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो अगर अंश हर से छोटा है तो किसी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, ये अब हम समझने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज मैं क्या पढ़ रहा हूं कि अगर अंश हर से छोटा है तो कैसे दर्शाएंगे, फिर मैं बताऊंगा अगर अंश हर से बड़ा है तो कैसे मैं उस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाऊंगा। तो पहले सीख रहे हैं कि अगर अंश हर से छोटा है ना, जैसे 4/5, इसको मैं संख्या रेखा पर कैसे दर्शाऊंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना ये बात, यदि अंश हर से छोटा है, यदि अंश हर से छोटा है तो परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, तो परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। आपको क्या देखना है, जब अंश हर से छोटा हो तो आपको सीधा यह पता चल जाएगा कि संख्या रेखा पर जो ये वाली परिमेय संख्या है ना 4/5, ये 0 और 1 के बीच में आनी है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने सवाल देखा है ना, सवाल में आपने चेक किया कि अंश हर से छोटा है क्या, हाँ अंश हर से छोटा है, 4/5 से छोटा है, तो मुझे यह पता चल गया कि यदि अंश हर से छोटा है तो परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो मैं एक संख्या रेखा बनाऊंगा, मैंने एक संख्या रेखा बनाई, ठीक है, इसमें बीच में आया 0, इधर मैंने लिखा 1, इधर लिखा 2, और ये इस तरीके से चलता रहा, इस तरफ लिखा -1, इस तरफ लिखा -2, और ये इस तरीके से चलता रहा। अब मैंने अभी अभी बताया, मैंने अभी अभी बताया कि अगर अंश हर से छोटा है तो, है ना, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो क्या होगा, परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, यानी ये रहा 0 और ये रहा 1, इसके बीच में आएगा ये 4/5। लेकिन आएगा कहां, अब ये समझना है। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अभी तक मैंने सिर्फ क्या समझाया है
कि जब भी आपको सवाल मिले, आपको सवाल में ये देखना है कि अंश हर से छोटा है। अगर अंश हर से छोटा है तो वो जो परिमेय संख्या है वो किसके बीच में आएगी, जीरो और एक के बीच में आएगी। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है, 4/5 का मतलब क्या है, 4/5 का मतलब है कि 4 को 5 से भाग करना है। जब आप 4 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, हाँ बता रहा हूं मैं यार, जब आप 4 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, ये तो भाग होगा नहीं, तो यहाँ पर एक जीरो आया, यहाँ पर एक दशमलव आया, और 5 8 40 हो गए, यानी क्या बन गया 0.8। और 0.8 हमेशा किसके बीच में आता है, जीरो और एक के बीच में ही आएगा। इसीलिए हमने एक सीधा सीधा ये देख लिया कि हम हर क्वेश्चन में भाग करके नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर अंश हर से छोटा है तो वो संख्या जीरो और एक के बीच में आएगी। जैसे 4/5 है, 4/5 में जो 4 है वो 5 से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो ये जो 4/5 है ये कहाँ आएगा, जीरो और एक के बीच में आएगा। ये रहा जीरो, ये रहा एक, इनके बीच में आएगा। अब ये आएगा कहां पर, अब ये समझते हैं। देखो जो हमारा हर है 5, आपको क्या करना है, जो हर है उतने हिस्से कर लो जीरो और एक के बीच में। हर क्या है मेरा, 5, यानी जीरो और एक के बीच में 5 बराबर बराबर हिस्से करने हैं। ध्यान रखना, बराबर बराबर हिस्से करने हैं। नीचे 5 है ना, तो 5 बराबर बराबर हिस्से करने हैं जीरो और एक के बीच में। तो एक दूसरे कलर से करते हैं, तो एक हिस्सा तो ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा अपने आप हो गया। ठीक है, पहला हिस्सा तो ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ। समझ में आया, मैंने 5 हिस्से क्यों किए, क्योंकि हर में 5 लिखा हुआ है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया था, सबसे पहला काम मैंने किया था कि अंश हर से छोटा है तो वो जीरो और एक के बीच में आएगा। ठीक है, जीरो और एक के बीच में आएगा। फिर मुझे 4/5 को दर्शाना है संख्या रेखा पर, तो हर क्या है, 5। जो हर है, अगर हर में 5 लिखा हुआ है तो 5 हिस्से कर लिए मैंने जीरो और एक के बीच में। यहां तक सबको समझ में आया, जल्दी बताओ। अगर हर में 2 होता तो मैं 2 हिस्से करता, 4 होता तो 4 हिस्से करता। ठीक है, यहां हर में 5 है तो मैंने जीरो और एक के बीच में 5 हिस्से कर दिए। ठीक है, अगली चीज, मुझे 5 में से चाहिए कितने, 4। 4/5 का मतलब क्या है, 5 में से 4। 4/5 का मतलब क्या है, 5 में से 4 हिस्से मुझे चाहिए। ठीक है, मेरे पास 5 हिस्से हैं टोटल, उसमें से 4 हिस्से मुझे चाहिए। तो ठीक है, मैं 4 हिस्से ले लेता हूं। तो पहला हिस्सा तो ये ले लिया मैंने, ये वाला, दूसरा हिस्सा ये ले लिया, तीसरा हिस्सा ये वाला ले लिया, और चौथा हिस्सा ये वाला ले लिया, और ये जो पॉइंट है जहां पर ये हिस्सा खत्म है, चौथे वाला, ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, 4/5। नीचे 5 था तो 5 हिस्से किए, 5 में से मुझे चाहिए कितने, 4। तो मैंने पहला ये है मेरा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, जहां चौथा हिस्सा खत्म हुआ वहीं पर मैंने लिख दिया ये है मेरा 4/5। बताओ आया समझ में, जल्दी बताइए सभी लोग कि कैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं अगर अंश हर से छोटा है तो। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं। अगर मैं कहूं, अभी मैंने 4/5 को दर्शाया, अब मैं कह रहा हूं कि 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अगर मैं ये कहूं तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, क्या है यहां पर, 1/3, इसमें अंश क्या है, 1, हर क्या है, 3। क्योंकि अंश हर से छोटा है, छोटा है ना अंश हर से, तो ये कहां आएगा संख्या रेखा पर, तो यह संख्या संख्या रेखा पर जीरो और एक के बीच में आएगी। संख्या रेखा पर जीरो और एक के बीच में आएगी। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है, क्योंकि जो अंश है वो हर से छोटा है, अंश जो है वो हर से छोटा है, इसलिए यह जो संख्या है वो संख्या रेखा पर जीरो और एक के बीच में आएगी।
ये यहां तक सबको क्लियर है, बताइए। ठीक है, अब मैं बनाता हूं संख्या रेखा। मुझे ये पता चल गया कि संख्या रेखा पर आएगी कहां, तो किस किस के बीच में आएगी, जीरो और एक के बीच में। तो यहां मैंने लिखा जीरो, यहां लिखा मैंने एक, ये इस तरफ चल रहा है, और यहां लिख दिया मैंने माइनस एक, और ये इस तरफ चल रहा है। ठीक है, मुझे 1/3 को दर्शाना है संख्या रेखा पर, किसको दर्शाना है, 1/3। तो नीचे क्या है, तीन, जो नीचे होता है उतने आपको हिस्से करने हैं जीरो और एक के बीच में। जीरो और एक के बीच में ही क्यों, क्योंकि अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो जीरो और एक के बीच में हमें काम करना है। अब तीन हिस्से करने हैं, क्योंकि हर क्या है, तीन है, तो मैं इसके तीन बराबर बराबर हिस्से करता हूं। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा अपने आप हो गया। ठीक है, तो पहला हिस्सा तो मेरा ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, तीन हिस्से हो गए। बताओ यहां तक समझ आया, तीन हिस्से क्यों किए, क्योंकि हर में तीन लिखा हुआ है। बताओ, ठीक है। अब मुझे तीन में से चाहिए कितने, तीन में से कितने चाहिए, एक। 1/3 का मतलब क्या है, तीन में से एक, तो तीन है मेरे पास, तो तीन में से एक यानी ये वाला हिस्सा मैं ले लूंगा, ये वाला, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसी को मैं क्या बोलूंगा, 1/3। आया समझ में, कैसे करना है बताओ, जल्दी बताइए। ठीक है, अगर 2/3 होता तो मैं क्या करता, फिर मैं दो, तीन में से दो हिस्से ले लेता, यानी यहां पे आ जाता 2/3। 2/3 कहां पे आता, यहां पे आ जाता, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तो 2/3 यहाँ पे आ गया। अगर 3/3 होता तो मैं कौन सा हिस्सा, तो क्या लेता फिर तो 3/3 का मतलब है ही क्या, एक, तीन से तीन को भाग करने का मतलब एक है, यानी यहां पर हम आ जाते सीधा, तो ये एक है ही पहले से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है संख्या रेखा पर, जब हम परिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। तो बताओ, किसी को कोई डाउट यहां पर तो पूछ सकते हो। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ओके, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आपको दर्शाना है, मैंने 1/3 को दर्शाया, 4/5 को आप दर्शाइए, 2/5 को संख्या रेखा पर, 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यस, करिए, अपनी कॉपी में करेंगे सभी लोग, एंड जिनका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी भी दिखाएंगे। जल्दी से करें सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को, 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। सभी लोग यस, पहले आप कर लीजिए सभी लोग अपनी कॉपी में, जिन जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपना हैंड रेस करते जाएं, जिनका हो गया है वो हैंड रेस करते जाएं। ओके, शुभम, अच्छा शुभम ने कर लिया है, अच्छा शुभम दिखाइए कैसे किया आपने, 2/1, 2, 3, 4, 5। यस, लेकिन वहां पर दो नहीं आएगा, एक आएगा शुभम, जीरो और एक के बीच में आएगा ना, आपने दो लिखा हुआ है, जीरो और दो के बीच में नहीं आएगा, जीरो और एक के बीच में आएगा। ठीक है, उसको चेंज कर लो, दो की जगह एक लिख लो। और किसने किया है, हाँ जी अयान ने किया है, अयान दिखाइए कॉपी कैसे किया आपने सॉल्व। अच्छा, एक चीज और मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने बाद में क्लास ज्वाइन की है, जिन्होंने पहले क्लास ज्वाइन कर ली थी उनको मैं बता चुका हूँ,
अब तक मैं आपका नाम लेता था पोल में, जब भी सवाल पूछता था तो नेक्स्ट क्लास में उन बच्चों का मैं नाम लिया करता था जिन्होंने पोल में आंसर किया था। लेकिन अब मैं आपकी एक रिपोर्ट तैयार किया करूंगा हर क्लास में, जिसमें आपको दिखा करेगा कि कुल कितने क्वेश्चन आपको कराए गए, ठीक है, और हर बच्चे का नाम होगा उसमें, हर बच्चे का उसमें नाम होगा और उसने कितने क्वेश्चंस का आंसर किया, ठीक है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट जो है वो दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, तो इस तरीके की वो रिपोर्ट रहेगी जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं अभी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखें। यस, देखिए इस तरीके की कुछ रिपोर्ट होगी वो, जैसे ये एक कल जो क्लास हुई थी कुछ एक बैच की 16 अगस्त 2022, उसमें जो पोल में पूछे गए प्रश्न उनका परिणाम ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जाया करेगा, ठीक है, और हर क्लास में आपको दिखाया जाया करेगा। तो जैसे इसमें ये तो आईडी का नाम है जिस आईडी से आप लॉगिन करते हो, ये आपका नाम है स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसके बाद कुल कितने प्रश्न पूछे गए, कितने सही थे और कितना परसेंट आपने आपको मिला। तो जो हरे रंग में है, जो ग्रीन कलर में जो है, वो रहेंगे बेस्ट स्टूडेंट्स, मतलब जैसे आप यहाँ पर देखो 100% है कुछ स्टूडेंट्स का, सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए इन्होंने, ठीक है। तो जो बेस्ट जिनका रहेगा उनको मैं ग्रीन कलर में रखूंगा, ठीक है, और रेड कलर में वो स्टूडेंट्स रहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सभी बच्चे ध्यान से देख लें, आपकी भी ऐसी रिपोर्ट आप के साथ शेयर की जाए करेगी नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से ऐसी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो रेड कलर में है इसका मतलब ये है कि वो क्लास में तो थे लेकिन उन्होंने पोल में आंसर्स नहीं किए, ठीक है, या वो क्लास से आए और चले गए, पूरी क्लास में नहीं रुके। तो यहां से सारा डेटा आपको आपके सामने दिख जाएगा, कौन बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्या परसेंटेज आपकी रही हर क्लास में, जैसे आज आपकी क्लास हुई है तो अगली क्लास में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, तो बताइए ये ठीक रहेगा, सभी लोग बताओ। ये मैं सब आप सबको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसी कैसा आपकी आपकी जो रिपोर्ट है वो कैसी दिखने वाली है, ठीक है। तो मैं सभी लोगों से यही चीज बोलूंगा कि अच्छे से क्वेश्चंस को समझो, पोल में आंसर करो जिससे आप भी ग्रीन कलर में आ सको। ग्रीन कलर में वो बच्चे हैं जो बेस्ट रहे हैं, ठीक है। अरे ये आपकी नहीं है गुलशन, कल आपकी क्लास हुई थी क्या? 16 अगस्त को कल था ना, कल को क्लास हुई ही नहीं। ये मैंने आपको एक बैच को की शेयर करके दिखाई है कि इस तरीके से आपकी बनेगी रिपोर्ट, ये आपकी आपके बैच की रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। चलो तो ये मुझे बताना था, तो पोल में क्वेश्चंस में अभी पूछने वाला हूं, तो इस चीज का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो सबसे पहली चीज वही, सबसे पहले मैंने देखा 2/5 में अंश क्या है? 2 है, ठीक है, और हर क्या है? 5 है। और मैंने ये भी देखा कि अंश जो है वो हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो क्या होता है? अतः ये थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूं मैं, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है ना। अंश हर से छोटा होता है तो क्या होता है? संख्या किसके बीच में आती है? 0 और 1 के बीच में। अंश हर से छोटा है अतः 2/5, यानी ये 2/5 किसके बीच में आएगा? 0 तथा 1 के बीच में आए, ठीक है। ये मुझे पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, मैं संख्या रेखा बना रहा हूं, है ना, इतना काम मेरा आसान हो गया, मुझे पता चल गया ये आएगा कहां पर। तो मैंने संख्या रेखा बनाई, यहां पर 0 लिखा, यहां पर 1 लिखा, यहां पर -1 लिखा। 0 और 1 के बीच में आएगा 2/5, नीचे क्या है? 5। नीचे क्या है? हर में क्या है? 5। तो ठीक है, मैं 5 हिस्से कर लूंगा, मैं क्या करूंगा? 5 हिस्से कर लूंगा। तो पहला हिस्सा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, पहला तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ,
तीसरा ये हो गया, और चौथा थोड़े बड़े बड़े हो गए, बराबर बराबर हिस्से करने हैं ये, ध्यान रखना, क्योंकि मैं ऐसे ही कर रहा हूं तो इसलिए आपको लग सकता है पहला हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा अपने आप हो गया, ठीक है। तो पहला मेरा ये हिस्सा है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो मेरे पांच हिस्से हो गए। अब मुझे पांच में से चाहिए कितने, दो, पांच में से कितने चाहिए, दो हिस्से, तो दूसरा हिस्सा कहाँ है, ये रहा, है ना, ये दूसरा हिस्सा है ना, इतना ही तो चाहिए मुझे, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूंगा, 2/5, ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो यहां तक। तो इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर दर्शाया, ठीक है, तो संख्या रेखा पर दर्शाना सबको आ गया है। अभी तक हमने सिर्फ सीखा है जब अंश हर से छोटा है तो क्या करना है, ओके। अब बात करते हैं अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो क्या करना है ना, अगर अंश हर से बड़ा हो जाए, जैसे ये तो 2/5 है, अगर 5/2 हो गया तो क्या करें, तो उसको सीखते हैं आप, ठीक है। तो यदि अंश हर से, यदि अंश हर से बड़ा है तो क्या करना है आपको, सिंपल एक एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूं। मैंने एक उदाहरण लिया, मैंने कहा 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो यहां पर अब जो है अंश जो है वो हर से बड़ा है, संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब यहां पर जो ये 5/2 है, इसमें जो अंश है वो 5 है और हर क्या है, 2 है, अंश क्या है 5 है और हर क्या है, 2 है, तो जो अंश है वो हर से बड़ा है, जो अंश है वो हर से बड़ा है, ठीक है। जब अंश हर से बड़ा है तो आपको क्या करना है, 5 उस केस में आपको भाग दे देना है, ठीक है। आप क्या करो, 5 को 2 से भाग दे दो, 5 को 2 से भाग दे दो, तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया 1, इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख दो। अब बताओ मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखते थे, मैंने सिखाया था, पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, बताओ। पहले ये मेरा भागफल है, ये मेरा शेषफल है, मिश्र भिन्न में बदलना सिखाया था सभी को याद है, तो 5/2 को मिश्र भिन्न में पहले मैंने बदल लिया, तो पहले मैं लिखता हूं भागफल, फिर हम लिखते हैं शेषफल, फिर लगाते हैं बटे का निशान और फिर आता है भाजक, ठीक है। तो भागफल क्या है मेरा, 2, शेषफल क्या है 1, बटे भाजक क्या है 2, तो 2 सही 1/2, यहां तक समझ में आया। जब अंश हर से बड़ा होता है तो हम भिन्न को बदल देते हैं मिश्र भिन्न में, ठीक है। जब अंश हर से बड़ा होता है तो हम भिन्न को, 5/2 को मैंने बदल दिया है मिश्र भिन्न में, जो कि आया 2 सही 1/2। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूंगा, तो अगर वहां पर गलती आप करोगे तो फिर गलती करते रहोगे, अभी अपने डाउट्स क्लियर कर लो। मिश्र भिन्न में बदलना सबको आता है ना, ठीक है। मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, पहले आता है भागफल, फिर लिखते हैं शेषफल और फिर लिख देते हैं भाजक, तो 2 सही 1/2। अब इस 2 सही 1/2 को मैं संख्या रेखा पर दर्शाऊंगा, ठीक है। मैंने 5/2 को किसमें बदल दिया है, 2 सही 1/2 में। अब मतलब समझो इस 2 सही 1/2 का, 2 सही 1/2 का मतलब ये है कि 2 तो आप चलो कंप्लीट संख्या रेखा पर, मैंने संख्या रेखा बनाई है यहां पर, ठीक है, ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई, इस पर मैंने यहां पर लिखा 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से, इधर मैंने लिखा -1, -2, -3। तो इस 2 सही 1/2 का मतलब ये है कि 2 तो आपको कंप्लीट चलना है, मतलब 2 तक आपको जाना है पहले, तो पहले 2 तक गए हम, यहां आ गए 2 तक, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, 2 तक जाना है, 2 पर आ गए हम, उसके बाद 2 से आगे कितना और चलना है, 2 से आगे आधा और चलना है, 1/2 और चलना है, यानी 2 से आगे 1/2 और चलना है, और 1/2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, नीचे क्या है 2, नीचे क्या है 2, तो 2 हिस्से मैं इसके कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए, पहला हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ, 2 में से कितने चाहिए 1, तो ठीक है 2 में से 1 हिस्सा मेरा ये वाला हो गया। इसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, 5/2।
तो आपको अंतर समझ आया, जब अंश हर से छोटा था तो हमारी सारी संख्याएं जीरो और एक के बीच में आ रही थी, जब अंश हर से छोटा था जैसे 2/5 था तो वो जीरो और एक के बीच में आ रहा था, लेकिन जब अंश हर से बड़ा हुआ तो हमने उसको भाग किया, भाग करके पहले हमने ये देखा कि वो आएगा कहां, तो वो कहां आया है अब 2 और 3 के बीच में, ठीक है, जरूरी नहीं है 2 और 3 के बीच में आए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बताओ ये सवाल समझ में आया सभी को, ठीक है। तो 2 सही 1/2 का मतलब क्या है कि पहले आपको 2 पूरा चलना है, तो 2 पे आए पहले तो हम यहां, और उसके बाद आधा और चले तो आधा और चल दिए, तो ये बन गया मेरा 5/2, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? चलो तो जल्दी से सभी लोग 7/3 को संख्या रेखा पर दर्ज करो, 7/3 को, या 7/3 को रहने दो, आप दर्शाओ 3/2 को, 3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, करिए सभी लोग जल्दी से। तीन बटे दो को संख्या रेखा पर दर्शाना है, सबसे पहले आपने चेक किया कि अंश हर से बड़ा है, और जब अंश हर से बड़ा होता है तो हम भाग करेंगे इसको, ठीक है, और जिन जिन बच्चों का होता जाए वो हैंड रेस करते जाना, ठीक है। अभी एक बच्चे ने हैंड रेस किया था लेकिन फिर से डाउन कर लिया, चलो कोई बात नहीं, करिए सभी लोग। अच्छा परसों जन्माष्टमी है तो परसों आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, ये एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, परसों जन्माष्टमी है ना, तो जन्माष्टमी की आपकी छुट्टी रहेगी क्लास की। ठीक है, राम कुमार रंजीत नाम से जो स्टूडेंट हैं आप दिखाइए कैसे किया आपने सॉल्व। वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट। अच्छा एक बार एक काम और करना सभी लोग, अपने अपने नाम एक बार चैट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मैं आपकी रिपोर्ट बनाऊंगा ना तो उसमें आपके जो रियल नाम है वो मैं लिखूंगा, मतलब आपकी आईडी के नाम भी और उसके साथ आपका जो नेम है वो, तो चैट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग अपने अपने नाम लिख दो, जिससे वैसे मुझे कुछ लोगों के पता है कुछ लोगों के नहीं पता, तो आप लोग क्या करो जल्दी जल्दी से अपने अपने नाम लिख दो चैट बॉक्स में। ओके वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लिख दो जल्दी से सभी लोग। ओके चलिए ठीक है, उम्मीद रखता हूँ सबने अपना नाम लिख दिया होगा चैट बॉक्स में, है ना, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपके जो रियल नाम है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख सके। तो 3/2 देखो ध्यान से समझो, 3/2 में अंश जो है वो हर से बड़ा है, सबसे पहला काम आपको यही चेक करना है, आपके सामने जो भी सवाल आए ना सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अंश हर से छोटा है या बड़ा है, अंश हर से यहां पर बड़ा है तो भाग कर देना है, तो 3 को 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया बचा 1, इसको मैंने मिश्र भिन्न में लिख लिया, मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं अपना भागफल, फिर उसके बाद लिखते हैं शेषफल, ठीक है, फिर लिखते हैं भाजक, ये मैं आपको काफी सिखा चुका हूं सब काफी बार, ठीक है, तो भागफल आता है उसके बाद शेषफल, फिर बटे का निशान, फिर नीचे आ जाता है भाजक, ठीक है, तो भागफल है मेरा 1, शेषफल भी 1 है, बटे भाजक कितना है 2, तो ये बन गया 1 सही 1/2। यहां से मुझे ये पता चल गया कि 1 तो मुझे कंप्लीट चलना है संख्या रेखा पर, है ना, 1 तो मुझे पूरा कंप्लीट चलना है, तो इतना मुझे पता चल गया 1 और 2 के बीच में आएगा ये, ठीक है चलो, तो इसको बना लेते हैं हम संख्या रेखा पर, तो 3/2 क्या बन गया है मेरा 1 सही 1/2। इस 1 का मतलब है कि संख्या रेखा पर पहले आप 1 पूरा चल लो, ठीक है, बीच में 0 आया, इधर 1 इधर 2, ठीक है, इधर -1, तो आपको क्या करना है
पहले पूरा एक चल लेना है, तो एक तक आप आए, एक के बाद आधा और चलना है। आधा कैसे चलोगे, दो हिस्से करें एक और दो के, और उसमें से पहला हिस्सा, दो में से एक हिस्सा चाहिए ना, तो पहला हिस्सा यही है, तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा, एक सही 1/2 होगा। आया सबको समझ में, या इसको मैं लिख सकता हूं 3/2। आया सबको समझ में, बताओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम अब क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। अगर अभी भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने सवाल आए आपको चेक करना है कि अंश हर से बड़ा है या छोटा। अगर अंश हर से छोटा है तो संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, और अगर अंश हर से, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर अंश हर से बड़ा है तो मिश्र भिन्न में हम उसको बदल देंगे। अंश हर से बड़ा है तो संख्या को मिश्र भिन्न में बदलकर, मिश्र भिन्न में बदलकर संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि अब आपको करने हैं। ठीक, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, सभी लोग करें अपनी कॉपी में इसको जल्दी से, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है सभी को, अपनी कॉपी में करें, और जिसका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे। सबसे पहले चेक करो अंश हर से छोटा है या बड़ा है, अगर छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0 और 1 के बीच में आप 1/2 को दिखा दो। आपके पास पूरा 1 मिनट है, सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ जी, ठीक है, किया आप लोगों ने सॉल्व, जिन्होंने कर लिया है वो हैंड रेज कर लो। बस दो बच्चों ने किया है, 3 लोगों ने किया है, 4 लोगों ने किया है, बाकी लोग 5 लोगों ने, हैंड रेज करते जाइए। ठीक है, हिमांशु गब्बर गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी आप चेक करा दो एक बार, कैसे किया आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे। खुशी, खुशी आपने किया सॉल्व, दिखाइए कॉपी। महिमा आप भी दिखा दीजिए कॉपी। इसके अलावा शुभम की कॉपी को मैं देख चुका हूं, शुभम आप रहने दीजिए, आपकी तो मैंने एक बार कॉपी देख ली है। ओके आयान, वेरी गुड आयान, ठीक है, वेरी गुड खुशी। ओके बसंत कुमार नाम से जो स्टूडेंट है आप दिखाइए कॉपी, बसंत कुमार नाम से जो स्टूडेंट है। हाँ जी, देखो भाई, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, अंश और हर की तुलना। अंश क्या है, हर से छोटा है, यहां पर अंश मेरा 1 है, न्यूमरेटर मेरा 1 है, हर मेरा 2 है या डिनोमिनेटर मेरा 2 है, अंश हर से छोटा है।
और जब अंश हर से छोटा होता है तो जो संख्या है वो संख्या रेखा पर कहाँ आती है, जीरो और एक के बीच में आती है। अभी अभी मैंने लिखवाया ये रहा, जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या संख्या रेखा पर जीरो और एक के बीच में आएगी, ये मैंने अभी लिखवाया। ठीक है, ठीक है। तो मैं संख्या रेखा पर यहां पर एक जगह जीरो लिख दूंगा और एक जगह एक लिख दूंगा, इसके बीच में मुझे 1/2 लाना है। अब 1/2 में हर क्या है, दो, यानी दो हिस्से कर लो इसके बीच में। तो ठीक है, बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूं, है ना, यहां पर मैंने एक लाइन खींची। अब दो हिस्से हो गए, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कौन सा, दो में से एक चाहिए, तो मैं ये वाला ले लूंगा। ठीक है, यानी ये वाला जो पॉइंट है यही क्या होगा, 1/2। बताओ, बताइए, आया समझ में, आसान है ना, कुछ नहीं करना, जो लिखा है बस उसी को करते जाओ। नीचे जो लिखा है उतने हिस्से कर लो, ऊपर जो लिखा है उनको आप अपने पास रख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाया। चलो, 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, जल्दी करें, 5/2 को। ठीक है, 5/2 को यहां पर अंश हर से बड़ा है तो हमें भाग करना पड़ेगा। करिए सभी लोग, ठीक है, मैं बता देता हूं इसको, ठीक है, मैं पोल में भी क्वेश्चंस करने हैं। फिर 5/2, ठीक है, 5 अंदर है क्योंकि अंश हर से बड़ा है तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 5 को मैंने 2 से भाग किया तो 2 दूनी कितना आया, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गया, 1 बचा। मैंने इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखा, पहले मैं लिखूंगा 2 सही 1/2। ये बताओ, मिश्र भिन्न में बदलना सबको आता है ना, प्लीज यार पूछ लो, अगर नहीं आता ना तो प्लीज पूछ लो, मैं बता दूंगा। आगे जाके ये ना हो कि सर हमें नहीं आता, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी इस चीज की, सबको आता है ना। ठीक है, तो 2 सही 1/2, इसको मुझे संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो 5/2 को मैंने बदल दिया है 2 सही 1/2। ठीक है, तो मैंने यहां पर संख्या रेखा बनाई पहले तो, ओके, संख्या रेखा पर। इस 2 का मतलब क्या है कि मुझे 2 तो पूरा चलना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, पहले मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं, यहां पर 0 लिखा, यहां पर 1 लिखा, यहां पर 2 लिखा, यहां पर 3 लिखा, यहां पर 4 लिखा, और ये चलता जा रहा है। इधर -1 लिखा, -2, -3, और ये चलता जा रहा है। तो पहले क्या है, 2, यानी 2 आपको पूरा पूरा चलना है, 2 तक तो आपको जाना ही जाना है। ठीक है, मैं 2 पे पहुंच गया, मैं कहां पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया, इस पॉइंट पर मैं पहुंच गया। 2 के बाद आपको कितना और चलना है, 1/2, यानी आधा और चलना है। और आधा अभी हमने दर्शाया था, कैसे दर्शाते हैं, 2 और 3, मतलब नीचे 2 है तो इसके 2 हिस्से हुए और 2 में से 1 मुझे चाहिए। तो ठीक है, ये पहला हिस्सा मैं ले लेता हूं, ये वाला, तो ये वाला जो पॉइंट है इसी को मैं क्या बोलूंगा, 5/2, यानी 2 चले पहले तो संख्या रेखा पर, उसके बाद आधा और चलती। ठीक है, आया सबको समझ में, कैसे दर्शाया हमने, बताइए, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया, सबको समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, फिर अब बात करते हैं माइनस में, अगर कोई संख्या हो, जैसे -3/2 है तो इसको कर लोगे। अब यहां पर बात जो मेन ये है, ध्यान देने वाली, यहां पर ये माइनस में, माइनस का है 3/2, तो मैंने बताया था माइनस वाली संख्याएं कहाँ आएंगी, 0 के बाईं ओर, कहाँ आएंगी, 0 के बाईं ओर। ठीक है, तो आप करेंगे इसको ऐसे ही, 3 को 2 से भाग कर लोगे। ठीक है, 3 को 2 से भाग किया तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये बन गया 1 सही 1/2। ठीक है, पहले 1 आया, फिर ये वाला 1 आया, और फिर ये 2 आया, तो ये बन गया 1 सही 1/2। ठीक है, क्योंकि ये -3/2 माइनस का है तो ये भी माइनस का ही रहेगा, यानी -1 सही 1/2। अब अगर आप ध्यान दो तो पहले मुझे कितना चलना है, -1, कितना चलना है, -1, तो -1 मेरा ये आ गया। उसके बाद कितना चलना है, 1/2, यानी -1 और 2, -2 के बीच में मैं 2 हिस्से करूंगा पहले। ठीक है, क्योंकि नीचे 2 है तो मैंने 2 हिस्से किए बीच में से इसके। ठीक है, इसके बाद 2 में से मुझे कितना चाहिए, 1 हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा मैं ले लूंगा पहले वाला। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये मेरा क्या बन गया, -3/2। ठीक है, गलती आप कहाँ कर सकते हो, गलती आप ये कर सकते हो कि इस माइनस के को आप ना देखो,
और इधर दर्शा दो, एक और दो के बीच में नहीं, ये माइनस में है तो जीरो के बाईं ओर, मतलब इस तरफ दर्शाना है। तो समझ में आया, अगर माइनस में कोई संख्या है तो कैसे दर्शाना है? आसान है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, बस 15 मिनट और बचे हैं और अब हम चलते हैं पोल के क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, और पोल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है अब आपकी रिपोर्ट बना करेगी डेली, जैसा मैंने अभी आपको एक रिपोर्ट शेयर करके भी दिखाई थी, ऐसे ही मैं हर क्लास में आपकी रिपोर्ट बनाऊंगा और आपको दिखाया भी करूंगा। उसमें वो बच्चे रहेंगे, मतलब सभी बच्चों का नाम रहेगा उसमें, लेकिन जो ग्रीन कलर में रहेंगे वो रहेंगे जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, और जो रेड कलर में रहेंगे वो रहेंगे जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ठीक है, यानी 0% वाले। ओके चलिए, तो आंसर सभी को करना है। यस, ये क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है? ठीक है, पोल में आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का, पोल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं। पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इसमें क्या पूछा गया है, और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, आपको बताना है -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ग्रीन कलर वाले बॉक्स में आए, तो आपको अच्छे से समझना है, क्लास में डाउट्स पूछने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे वो रेड कलर में जाएंगे, और वो लिस्ट मैं ग्रुप में भी भेजूंगा, व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां पर आपके स्कूल टीचर भी ऐड होते हैं, वो भी देख सकते हैं, वहां पर आपके वो सर भी ऐड होते हैं जो आपके स्कूल में आते हैं, या मैडम स्कूल में आती हैं, वो भी देख सकती हैं, ठीक है। तो सब उस लिस्ट को देख सकते हैं कि किसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, या कौन एबसेंट है लगातार, कौन क्लास में डेली आ रहा है, कौन क्लास में डेली नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से वो अटेंडेंस भी हो गई, वहां से साफ दिख जाएगा कि इस बच्चे का तो नाम ही नहीं है, मतलब इसने क्लास ही अटेंड नहीं की। तो इस चीज का ध्यान रखें सभी लोग, करें पोल में आंसर। वेरी गुड, हाँ जी, 4 लोग बचे हैं अभी, 4 लोग और बचे हैं, 30 सेकंड हैं आपके पास, जो 4 लोग बच गए हैं, बाकी सबका आंसर आ चुका है, बाकी जितने भी बच्चे क्लास में है ना सबका आंसर आ गया है, 3 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, 15 सेकंड है, 2 लोग और बचे हैं। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है जल्दी, एक स्टूडेंट और बचे हैं, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है, गुड। चलिए, तो -5/2 माइनस की संख्या है, वेरी गुड, बी ऑप्शन, -5/2 कैसी संख्या है? ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्याएं कहाँ आती है संख्या रेखा पर? जीरो के बाईं ओर आती है, यानी यहां जीरो होता है, इधर सारी कहाँ क्या आती है? धनात्मक संख्याएं आती है, और बाईं ओर आती है ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ये बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, ये दाईं ओर यानी राइट साइड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ध्यान से करना ये क्वेश्चन, अभी अभी मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, करिए इसको, बहुत आसान सवाल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं अभी, इसीलिए मैंने कराए थे कि जिससे आप पोल में जाने से पहले एकदम रेडी होकर जाओ। पहले चेक करो अंश और हर में कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है, और बाकी मैंने आपको तरीके बताए, अगर छोटा है तो क्या करना है, बड़ा है तो क्या करना है।
ओके वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है और उनका आंसर एकदम ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करें। वेरी गुड, मैं ये चाहता हूं कि पूरी क्लास में जितने भी बच्चे आज है ना, जो आपका रिपोर्ट बने, रिपोर्ट जो बने उसमें सब ग्रीन ग्रीन दिखे मुझे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गलत आंसर आने शुरू हो चुके हैं। चलिए वेरी गुड, करिए सभी लोग ध्यान से करें क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हिस्से करने होते हैं आपको और ऊपर जो लिखा हुआ है उतने हिस्से आपको लेने होते हैं। ये तरीका बताया था मैंने करने का, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको कोई और तरीका आता है तो उससे भी आप कर सकते हैं, बस आपको आंसर सही आना चाहिए आपका। ठीक है, ओके वेरी गुड, 5 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, 3 लोग और बचे हैं। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें जो बच गए हैं, 3 लोग। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। एक स्टूडेंट और बचे हैं, वाह एक्सीलेंट, 16 में से 13 का आंसर सही है। एक स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी कर दो आंसर जल्दी से, 15 सेकंड है, एक स्टूडेंट। ओके ठीक है, चलिए सबका आंसर आ चुका है, 4 लोगों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही था, तो ध्यान दें जिनका गलत है। 3/5 अंश क्या है, हर से छोटा है, तो ये हमें पता चल गया कि अंश जो है वो हर से छोटा है, 3/5 से छोटा है, 3 मेरा अंश है ना। चलो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, 3/5 में 3 क्या है, मेरा अंश है, 5 क्या है, हर है। अंश जो है वो हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, इतना इतनी चीज मतलब मुझे पता चल गई कि वो 0 और 1 के बीच में आनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए ऑप्शन में 0 और 1 के बीच में आ रहा है, बी ऑप्शन में 0 और 1 के बीच में आ रहा है, सी में 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, डी में -3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, बचे ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में से सही होगा कोई, तो देख लेते हैं। सॉरी, 3/5 का, यस ए ऑप्शन, वेरी गुड। 3/5 का मतलब यह है कि आपको 5 हिस्से करने हैं पहले, तो 5 हिस्से देख लो किसमें हो रहे हैं, इसमें पहला हिस्सा ये हो रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इन दोनों के बीच में, और 5वां इन दोनों के बीच में। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 हिस्से हो गए, नहीं मुझे तो 5 चाहिए थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो 5 में से कितने चाहिए मुझे, 3, तो पहला दूसरा तीसरा तीसरा ये वाला पॉइंट हो गया, यही मेरा क्या हुआ, 3/5। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ आया कैसे करना है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ये सवाल है, -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यस, करिए सभी लोग ध्यान से, आसान है ये भी, पर ये माइनस में है तो ध्यान रखना। हाँ जी, -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ओके, 2 लोगों का आंसर आया, 2 में से 1 का सही है, 1 का गलत, 3 में से 2 का सही है, 1 स्टूडेंट का गलत है, बाकी लोग भी करें जल्दी से। 4 में से अभी तक 50-50 चल रहा है, 2 का सही 2 का गलत।
ओके यहां पर अंश और हर देखो क्या है, बड़ा है अंश या छोटा है? ठीक है, उसके बाद अगर छोटा है तो जीरो और एक के बीच में आएगा, बड़ा है तो उसको भाग करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है, भाग करने के बाद आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलने के बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग संख्या रेखा पर चलना है। यस हाँ जी, करिए सभी लोग, वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। 6 लोग बचे हैं, बाकी सबका आ चुका है आंसर, वेरी गुड। 5 लोग बचे हैं, हाँ जी वेरी गुड। 4 लोग बचे हैं, आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, जो लोग बच गए हैं। यस 3 लोग और बचे हैं, ओके एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, ओके आ चुका है आंसर सभी का। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है ए ऑप्शन, ये वाला, तो देख लेते हैं एक बार ए ऑप्शन कैसे हो सकता है इसका। -7/2, अंश हर से बड़ा है तो यानी 7 को 2 से भाग करना पड़ेगा, खुशी ए नहीं होगा, 7 को 2 से भाग करना पड़ेगा। तो जब 7 को 2 से भाग करोगे तो 2 दिया 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा। इसको आपने बदला मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, पहले आता है भागफल यानी 3, फिर आता है शेषफल यानी 1/2, फिर आया 2 यानी 2, और क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस में रहेगा। इससे हमें क्या पता चला कि हमें पहले तो चलना है -3, पहले कितना चलना है -3, तो ऑप्शन ए में तो हम -2 पर ही रुक गए ना, ऑप्शन ए में -2 पर ही हम रुके हुए हैं, हमें तो -3 तक जाना था, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में हम 2 पर रुके हुए हैं, जाना हमें -3 पर था, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में हम -3 से आगे बढ़े हैं, ठीक है, -3 के बाद आपको 1/2 और चलना है, -3 के बाद 1/2 और चलना है, तो आप -3 चले पहले, उसके बाद आपको हाफ यानी 1/2 और चलना है, यानी थोड़ा आगे और जाना है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि -3 पर ही रुक गया, हमें तो -3 के आगे 1/2 और चलना था ना, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, -3 और उसके आगे हाफ और चलना है, यानी 1/2 और चलना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, -3 सही, 1/2। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास का रिपोर्ट कार्ड आपको कल ग्रुप में मैं भेज दूंगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया, कितने सही थे और टॉप स्टूडेंट्स कौन से थे। ठीक है, तो इस क्लास को, अच्छा हाँ, होमवर्क, और होमवर्क भी तो देना है, होमवर्क तो रह गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेना, आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है इनको, संख्या रेखा पर निरूपित करो। ठीक है, पहला सवाल 2/5, दूसरा सवाल 5/2, तीसरा सवाल 4/5, चौथा सवाल 5/4। ठीक है, इनको संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है, ये 4 क्वेश्चन, ये आपका क्या है, होमवर्क।